आज मैं आपके साथ अंडे की एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एग पेपर स्क्रम्बल। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी में मैंने हरी मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इसका टेस्ट कुछ अलग सा बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 अंडे ले लिए हैं। इन्हें उबालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम ऐसे ही तोड़कर इस्तेमाल में लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। इसे किसी भी खाद्य ऑयल में बनाया जा सकता है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, क्योंकि सरसों तेल को अच्छी तरह से ना गर्म करो तो इसके कच्चेपन का टेस्ट आता है। और अब ऑयल अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके ऑयल को थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि बघार की सामग्री ना जले। और अब ऑयल थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैंने वापस फ्लेम को लो पर ऑन कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सरसों के दाने डाल देते हैं। इसे चटकने देंगे। 1 पिंच हींग भी डालकर इसे मैंने थोड़ी देर तक और चटकने दिया है। 7-8 करी पत्ता भी डालकर भून लेंगे। अब तुरंत ही इसमें मैंने कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं, भून लेते हैं। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम प्याज के हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब 3-4 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर ही भून लिया है। और अब प्याज का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। तो इस स्टेज पर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, तो 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको तीखा जितना चाहिए उस हिसाब से इसे ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, भून लेंगे। इसे हम मसालों के अच्छी तरह से भूनकर ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। तो 2-3 मिनट तक भूनने के बाद मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें मैंने कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं, भून लेंगे। टमाटर जल्दी से और अच्छी तरह से गल जाएं, इसके लिए इसी स्टेज पर इसमें स्वादानुसार नमक भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला देंगे। अब ढककर इसे हम लो फ्लेम पर ही टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने मेरे सारे अंडों को तोड़ लिया है। और अब थोड़ी देर तक ढककर पकाने के बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारा मसाला एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। तो अब इसमें अंडे डाल देंगे। मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। अंडों में प्रोटीन और विटामिन्स की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए सर्दी हो या गर्मी अंडे खाने बहुत ही लाभप्रद हैं। और अब थोड़ी देर तक भुनने के बाद अंडे अच्छी तरह से पक चुके हैं। हमारा एग पेपर स्क्रम्बल तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब लास्ट में इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट एग पेपर स्क्रम्बल बनकर तैयार हुआ है। इतना एग पेपर स्क्रम्बल आप घर के 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। राइस के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आता है। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।